गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग और बताइए कैसे हैं आप सब आई होप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं और मैं भी अब ठीक हूँ जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तो ये जो व्लाग है ना ये सैटरडे मॉर्निंग का ब्लॉग है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी और यही जो है बाबू के टिफिन में भी जाने वाला है और यही हमारा लंच होने वाला है तो व्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है उसके लिए सॉरी आपको पता ही था कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इस वजह से व्लॉग जो है काफ़ी लेट हो गया तो यहाँ पर जो है मैं बनाने वाली हूँ जो प्याज होती है हरी वाली वो और आलू की सब्जी तो यहाँ पर सारी तैयारी मैंने करके रखी हुई है सुबह जो है मैं सात बजे जाग गई थी फ़्रेश वगैरह होकर मैंने जो है झाड़ू लगाया और उसके बाद फिर सारी जो सब्जी वगैरह थी वो सब कट की चाय बनाकर हस्बैंड को दे दी है बस यहाँ पर अब जो है मैं सब्जी बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ तो यहाँ पर जो हरी मिर्च और टमाटर है वो भी मैंने कट कर लिया है प्याज कट नहीं की है क्योंकि ऑलरेडी प्याज की ही सब्जी है काफ़ी सारी जो है प्याज है इसमें भी तो बस यहाँ पर गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी थी उसमें ऑयल डाल दिया और बस जीरा डाल दिया और हींग डाल दी साथ ही जो है जो हरी मिर्च थी वो मैंने डाल दी उसके बाद जो आलू हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं और इसको चलाते हुए ना थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे ऑयल में और उसके बाद फिर जो ये हरा वाला प्याज है ना ये मैंने ऐड कर दिया है तो काफ़ी बढ़िया सब्जी बनती है इसकी और रखी हुई थी कई दिनों की तो सोचा यही बना लेती हूँ वैसे बाबू तो खाती नहीं है प्याज ये वाली बट ये है उसके लिए आलू आलू निकाल कर रख दूंगी और फिर ये हम लोगों के लिए लो हो जाएगी तो बस यहाँ पर प्याज डालने के बाद जो सब्जी के ड्राई मसाले हैं वही सारे ड्राई मसाले मैंने जो है ऐड कर दिए हैं और यहाँ पर ना लाल मिर्च और कश्मीरी मिर्च मुझे दोनों एक जैसी ही लग रही थी इस बार जो मैंने लाल मिर्च मंगाई है ना वो एकदम से कश्मीरी मिर्च जैसी ही लगती है तो पता ही नहीं चलता है कौन सी है कौन सी नहीं तो वही मैं इतना गौर से देख रही थी और बस उसके बाद मैंने यहाँ नमक ऐड कर दिया अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया है और ऊपर से यहाँ पर मैं डाल दूँगी टमाटर तो मैंने ज़्यादा बड़ा टमाटर नहीं लिया था छोटा साइज़ का ही टमाटर लिया था क्योंकि इस सब्जी में मुझे टमाटर जो है ज़्यादा पसंद नहीं है तो बस छोटा साइज़ का टमाटर था वो कट करके डाल दिया है अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको जो है कवर कर देंगे और इसको जो है लो फ्लेम पर पकने देंगे तो दूसरी साइड जो है मैंने जो कढ़ाई थी वो उठा कर रख दी है और इधर फटाफट से जो है मैं पराठे सेक देती हूँ बाबू के टिफिन के लिए भी और एक जो है उसके खाने के लिए भी तो बस यहाँ पर फटाफट से जो है जो पराठे हैं देखिए कितने बढ़िया हमारे एकदम रेडी हो रहे हैं और आप सब ना जब कमेंट करते हैं ना कि दीदी -दी आपके पराठे बहुत अच्छे बनते हैं ना तो सच में ये सुनकर ना मुझे इतनी खुशी होती है इतनी खुशी होती है कि मैं आपको क्या बताऊं क्योंकि पहले मुझे भी बिल्कुल भी पराठे बनाने नहीं आते थे रोटी बना लेती थी, थी बट पराठे मुझसे नहीं बनते थे किसी भी तरह के हों फिर वो चाहे सिंपल हों आलू के हों या किसी भी तरह के बट अब जब आप लोगों के कमेंट आते हैं ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है सुनकर ये चीज़ तो बस यहाँ फटाफट से मैंने तीन चार जो पराठे थे वो बना दिए एक बाबू के खाने के लिए दोस्त के टिफिन के लिए और एक मैंने अपने लिए भी बना लिया था चाय के साथ खाने के लिए बस यहाँ पर पराठे बनाकर जो आटा था वो मैंने साइड में रख दिया और इधर जो है अब मैं बाबू के लिए जो दूध है वो हल्का सा जो है गुनगुना मैंने कर दिया है और उधर जो है सब्जी भी हमारी ऑलमोस्ट जो है रेडी हो गई है तो बस उसको भी जो है उसमें थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर होगा ना तो वो जो है मुझे आ, सुखाना है क्योंकि प्याज होती है ना काफ़ी सारा पानी छोड़ती है अलग से उसमें पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती उसी आ, पानी में जो है वो काफ़ी अच्छे से पक जाती है और हल्का मॉइस्चर भी हो जाता है बट ये है कि जो ये प्याज की सब्ज़ी होती है ना सूखी सूखी ही अच्छी लगती है यहाँ पर जो सब्जी थी वो बन गई थी बस उसमें हल्का सा मॉइस्चर था तो मैंने जो गैस है वो हाई फ्लेम पर करके और जो इसका पानी है वो मैं फटाफट से सुखा दूँगी तो वो जब तक ही सुख रहा था इतने में जो है बाबू को भी मैंने अच्छे से रेडी कर दिया था और बस यहाँ पर सब्जी हो गई थी तो मैंने उसका टिफ़िन और वॉट बॉटल जो है वो रख दी है और उसके बाद यहाँ पर उसको स्वेटर वगैरह पहना दिया है और आई कार्ड था वो सब पहनाकर उसको कर दिया है रेडी जाने के लिए तो बस यहाँ पर बाबू रेडी होकर चली जाएगी रोड पर अपने पापा के साथ और उसके बाद फिर अपने जो बाकी के काम है वो मैं करूँगी अभी जो है अभी सोया हुआ है तो देखिए बाबू जा रही है अपने पापा के साथ और मौसम जो है ठीक है बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं है अब तो मौसम जो है जब तक ये व्लॉग में शूट कर रही थी तब तक, तक जो है मौसम काफ़ी सही था उसके बाद जो है मौसम दो तीन दिन काफ़ी ख़राब रहा बारिश भी हो गई थी काफ़ी बट जिस दिन का ये ब्लॉग है उस दिन मौसम काफ़ी सही था तो बस यहाँ पर बाबू चली गई है और अभी सो रहा है तो बस यहाँ पर मैंने गेट बंद कर लिए हैं क्योंकि मैं जाऊँगी किचन में चाय अपने लिए जो है गर्म करूँगी और यहाँ पर देखिए अभी खुला हुआ था तो वो जो है मैंने उसको ढक दिया है तो बस यहाँ पर चाय नाश्ता वगैरह वगैरह हमारा सब हो गया था और उसके बाद बाकी की जो बची हुई रोटियां थी वो सब मैंने बना कर रखी और उसके बाद तुरंत मैं चली गई नहाने के लिए और यहाँ हस्बैंड जो है अपना रेडी हो रहे हैं तो बस नहाकर मैं भी आ गई हूँ और मैं वेट कर रही थी कब हस्बैंड जो है हटें हस्बैंड की जो मांग है ना इतना देर में बना पाते हैं अपने जो बाल है ना Uh, मैं उनसे यही बोलती हूँ कि इतने में जो है हम लोगों के हेयर स्टाइल भी बन जाए जितनी देर आप अपने बाल बनाने में लगाते काफ़ी देर लगाते हैं वो बाल वगैरह बनाने में तो बस यहाँ पर भी मैंने अपना uh, क्रीम रोशन वगैरह लगा लिया था और बस उसके बाद मैं आ गई किचन में क्योंकि हस्बैंड हो गए हैं रेडी तो जल्दी से उनको दे देती हूँ मैं खाना और uh, मूली रखी हुई थी तो वही मैं उनसे पूछ रही थी मूली खाओगे तो फ्रिज में रखी हुई थी तो मैं मना कर रही थी बट वो बोले नहीं ले आओ तो बस यहाँ पर जो है मैंने मूली ले ली है और आधा मूली है इसको छील कर कट करके मैं रख दूँगी साथ में आलू प्याज की जो सब्ज़ी है वो और रोटी तो यहाँ पर देखिए सारा काम जो है मैंने अपना यहाँ पर निपटा दिया था उसके बाद ही जो है मैं गई थी नहाने के लिए जैसे कि आपको बताया जल्दी जाग गई थी ना तो काम भी सब जल्दी ही जो है हो गया था तो बस यहाँ पर हस्बैंड को खाना दे दिया है और उसके बाद मैं मिल रही हूँ यहाँ पर आपसे लगभग डेढ़ बजे के करीब तो यहाँ पर ना आज ना हस्बैंड को थोड़ा टाइम था उनके ऑफिस में काम भी ज़्यादा नहीं था और उनके जो बॉस थे ना वो भी नहीं थे तो मैं कई दिनों से उनको बोल रही थी मुझे ना अपने लिए फुटवेयर लेकर आनी है ये बेकार हो गई हैं तो संडे के दिन यहाँ पर क्या होता है कि हस्बैंड को टाइम मिलता है संडे के दिन और संडे के दिन ही यहाँ पर जो है मार्केट बंद रहता है तो इस वजह से नहीं आ पाती हैं इस तरह की चीज़ें मॉल वगैरह तो खुले रहते हैं बट मार्केट बंद रहता है मुझे मार्केट से लानी थी और तो हस्बैंड ने बोला कि आज मेरे पास टाइम है तो तुम जो है आज चलो तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पर रेडी हो रही थी और इस टाइम पर भी जो है मुझे काफ़ी तेज़ सर्दी थी इसके बाद फिर और ज़्यादा बढ़ गई थी इवनिंग से फिर काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ती चली गई थी तो यहाँ पर उसमें रेडी हो गई अभी को भी रेडी कर दिया हस्बैंड यहाँ पर निकाल रहे हैं पैसे और आप यकीन नहीं मानेंगे यहाँ पर मुझे इटावा में आई हुई चार साल हो चुकी हैं ये पाँचवीं साल चल रही है और इन चार सालों में जो है फर्स्ट टाइम मैं मार्केट जा रही हूँ इटावा के मार्केट मैं अब तक जो है इटावा का मार्केट नहीं गई हूँ मॉल वगैरह काफ़ी गई हूँ बट इटावा का मार्केट जो है मैंने अब तक नहीं किया है फ़र्स्ट टाइम ही जा रही हूँ क्योंकि मेडिसिन के चक्कर में मेरे जो है फिरोजाबाद यानी मेरे माई के चक्कर लगते ही रहते हैं तो मुझे जिसकी जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है तो मैं वहीं से ले आती हूँ या फिर मॉल वगैरह से या फिर ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट की जरूरत ही नहीं होती है तो बस मार्केट फ़र्स्ट टाइम जो है जा रही हूँ और देखिए यहाँ पर ना हम लोग मार्केट पहुँच गए थे और शॉप पर मुझे ये वाली जो फ़ुटवियर थी काफ़ी पसंद आई थी क्योंकि फुटवियर में ना मुझे मोस्टली ब्लैक कलर ही पसंद आते हैं और एकदम जो है इस तरह का जो होता है ना बंद पंजा उस तरह के बट इसमें ना मेरा ना छोटा सा मतलब एक साइज़ छोटा था और एक साइज़ बड़ा था बट मेरे साइज़ का नहीं था बहुत ज़्यादा वो टाइट हो रही थी अगर उनको पहन के मैं ज़्यादा देर जा चलती ना तो वो मेरे काट लेती पैर को तो फिर मैंने वो नहीं ली उसके बाद फिर हम लोग दूसरी शॉप पर गए बट ये होता है ना कोई चीज़ पसंद आ जाए और वो फिर ना मिले तो मूड बहुत ख़राब हो जाता है तो फिर हम लोगों ने दूसरी शॉप पर देखा सैंडल काफ़ी अच्छे अच्छे थे काफ़ी प्यारे प्यारे फुटवियर थे बट मेरे अकॉर्डिंग नहीं थे जैसे कि आपको बताया फुटवेयर में मेरी जो चॉइस है ना थोड़ी सी ओल्ड आप बोल सकते हैं पुरानी है मुझे एकदम कंफर्टेबल और एकदम बंद पंचे का और एकदम सिंपल सा ब्लैक कलर में फुटवेयर ज़्यादा पसंद आती हैं बहुत ज़्यादा स्टाइलिश्ड जो सैंडल वग़ैरह होती हैं फुटवेयर होती हैं वो मुझे पसंद नहीं आती तो फाइनली फिर अब लेना तो था ही गए थे तो तो फिर उसके बाद मुझे एक जोड़ी ठीक लगी तो वो मैं लेकर आ गई बट ये था कि वो वाली मुझे काफ़ी पसंद आई थी और वो नहीं मिली मुझे तो फिर जो है ऐसे ही मुझे लानी पड़ी तो देखिए हम लोग घर वापस आ गए हैं और कुछ फ्रूट्स वगैरह भी ले आए थे और थोड़ा ये था मेरे पास टाइम की भी कमी थी क्योंकि बाबू के भी आने का टाइम हो जाता है तो थोड़ा यही हो रहा था कि जल्दी जल्दी से ले लो जो भी है फिर जो है कहीं बाबू ना आ जाए क्योंकि तीन बजे उसकी छुट्टी हो जाती है सवा तीन तीन बीस तक वो आ जाती है तो आते ही यहाँ पर अभी को दूध चाहिए था उसे दूध देकर जो है सुला दिया है क्योंकि वो सुबह से सोया नहीं था और यहाँ पर देखिए ये वाली फुटवेयर हैं वो मैं लेकर आई हूँ तो ये भी ठीक है बट वही होता है ना कि पहली नज़र में जो चीज़ पसंद आ जाए वो उसकी तो बात ही और होती है वो वाली मुझे काफ़ी प्यारी लग रही थी बट चलिए ये भी ठीक है काम चला है क्वालिटी काफ़ी अच्छी है साढ़े चार सौ रुपये की जो है ये मुझे मिली थी उसके बाद मैंने कपड़े वग़ैरह चेंज किए अभी सो गया था हस्बैंड मुझे छोड़कर चले गए ऑफ़िस और, और यहाँ पर देखिए मेरी हालत देखिए सुबह से यही हाल था बट अभी तो फिर भी कम है इसके बाद तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा और फिर सैटरडे के बाद से फिर जो है मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया जब तक मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक यानी चार दिन मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया है बस यही व्लॉग पड़ा हुआ था तो सोचा वॉइस ओवर कर कर आपके साथ शेयर कर दूँ तो चलिए इसी के साथ व्लॉग को करती हूँ एंड आशा करूँगी आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा लगाओ लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा बाय